तो गाइस आज मैं फाइट करने वाला हूँ 1000 बीदर से एंड कलेक्ट करने वाला हूँ 1000 बीकन्स। एंड जो भाई इसका एंड रिजल्ट निकल के आया बहुत ही ज्यादा खतरनाक आया है, बट ये सब करने के लिए मेरे को वापस जाना पड़ेगा अपने घर पे और मैं अभी फंसा हूँ 30 मिलियन ब्लॉक्स दूर वर्ल्ड बॉर्डर पे। भाई सब कैसे निकलूंगा यहाँ से मैं। तो गाइस इसके बाद जो है चला गया अपने पास वाले बायो में एंड इस वर्ल्ड में जो है अभी मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है। आई डोंट थिंक सो किसी के साथ भी ये हुआ है, बस भाई तुम देखते जाओ होने के वाला है। एंड एक और चीज कह देता हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग है ये पिछले हार्डकोर एपिसोड के डायरेक्टली बाद किया, तो मैंने वर्ल्ड को बंद नहीं करा था, उसके बाद की ही डायरेक्ट रिकॉर्डिंग है ये, इस बात को ध्यान में रखना है। एंड अब देखते जाओ भाई क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस अभी जो मैं यहाँ पे नीचे जाने का प्लान बना रहा हूँ ताकि मैं नीचे जाके रेडस्टोन वगैरह कलेक्ट कर पाऊँ और नीचे स्लाइम्स वगैरह भी मिल जाते हैं डीप केव्स में। तो हुआ क्या कि मैं जब नीचे स्टेयर बना रहा था मैं अपना कंप्यूटर छोड़ के चला गया बिकॉज मेरे को कुछ काम आ गया था। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली 10 मिनट AFK था एंड उसके बाद देखो क्या हुआ। एक सेकेंड, वेट, मैं कहाँ? ओ भाई साहब, ये चंक लोडर ने अब काम करा है। भाई ये देखो चंक लोडर ने काम करा है भाई, आज वो भी। भाई 3 दिन हो चुके थे और ये आज काम कर रहा है। भाई क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। तो गाइस इसके बाद जो है मैंने कुछ रिसर्च करी और मेरे को पता चला कि ज्यादा चंक रेंडर करने की वजह से जो है ये इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि जो चंक आपको चाहिए वो लोड ना होना, प्लेयर डाटा करप्ट हो जाना, ब्लॉक्स वगैरह ग्लिच होना। एंड इसके बाद जो है मैंने अपने वर्ल्ड का साइज जाके चेक करा एंड ब्रा 60 GB तक का वर्ल्ड हो रखा है भाई, इतने तो मेरे फोन की मेमोरी है भाई जितना मेरा वर्ल्ड का साइज हो रखा है अभी। तो गाइस इस प्रॉब्लम को तो मेरे को सॉल्व करना था। तो गाइस ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हमारा ये प्रोग्राम जिसे कहते हैं MCSC रैक। बट गाइस ये वीडियो जो है गाइस बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये प्रोग्राम बस जो है काफी अच्छा है और काफी ज्यादा यूजफुल है। ये बेसिकली करता क्या है, ये जो आपने चंक्स लोडेड कर रखे हैं उनको डिलीट कर देता है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले चंक सिलेक्ट करने है। तो गाइस इसके बाद मैं गया 30 मिलियन ब्लॉक्स दूर, मैंने ट्रैवल करा एंड वहां पे जाके मैंने जो छोटी मोटी चंक्स मैंने रिलोड करी थी, ऑब्वियसली जहां पे हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है मैंने उस चंक को डिलीट नहीं करा, उससे अलग वाली चंक्स को मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद गया मैनेजर में, मेरे को पता चला जिन भी चंक से मैं फ्लाई करके जा रहा था लास्ट वीडियो में वो सारी की सारी लोडेड थी, तो मैंने उन सबको डिलीट कर दिया। आखिरी वाला मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा जहां पे हमारा जो है नेदर पोर्टल है। एंड उसके बाद गाइस मैंने एंड में भी जाके थोड़ा बहुत जो है एंड जो दूर दूर वाला था उसको डिलीट करा। एंड अब जाके मेरा जो है वर्ल्ड का साइज 8 GB तक हो चुका है, 8 GB। भाई साहब लिटरली इतना ज्यादा स्पेस लेती हैं ये चंक्स गाइस, सीरियसली। एंड अब जो है वर्ल्ड का साइज काफी कम हो चुका है। एंड अब गाइस जो अपने वर्ल्ड में चलते हैं एंड जाके देखते हैं कि भाई थोड़ा मतलब लैग फ्री हुआ है नहीं ऐसा कुछ। ओ भाई साहब बेस पे मेरे देखो गाइस 174 ऐसे FPS आ रहे हैं, बेस पे तो इतने FPS आते भी नहीं थे। तो लैग को भी इतना फिक्स नहीं करेगा, यानी FPS वगैरह तो इतने फिक्स नहीं होंगे जितने मेरी ग्लीचेज एंड बग्स फिक्स हो जाएंगे, एंड वो तो गाइज हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। इसके बाद गाइज मैं चला गया अपने एंड डायमेंशन में, जो लास्ट एपिसोड में हमने इलाइट्रास तोड़ी थी वो सारी की सारी मैंने रिपेयर करी। और उसके बाद गाइज मैं चला गया अपने विदर स्कल फार्म पे जहाँ पे मेरे को कलेक्ट करने थे 3 शल्कर भर के विदर स्कल्स। भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अभी बस यहाँ पे मेरे को जो है खड़े होकर मारना है इन विदर्स को। एंड गाइज मैं आपको मिलता हूँ, आई डोंट नो आवर्स लगेंगे, दिन लग जाएंगे, वीक्स लग जाएंगे, आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है, लेट्स सी। ओके तो गाइज मेरे को 4 आवर्स हो चुके हैं एंड 4 आवर्स से मैंने सिर्फ 5 स्टैक जो है कलेक्ट करे हैं। भाई साहब विदर्स कल बहुत टाइम लगने वाला है भाई। तो गाइज अभी मेरा प्लान क्या है, मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ एक बीकन। एंड तो गाइज मैंने यहाँ पे बीकन लगा दिया, तो इसमें ले लेता हूँ, मेरे को रीजनरेशन लेनी है और साथ में स्पीड ले लेते हैं क्या जा रहा है। रीजनरेशन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि मैं इसको छोड़ने वाला हूँ सारी रात AFK में एंड मेरी जो है फिर हंगर बार कम हो जाएगी तो मैं मरना स्टार्ट हो जाऊंगा और रीजनरेशन जो है मेरे को रीजन करती रहेगी बेसिकली। तो अभी प्लान तो इतना ही है भाई, पता नहीं मेरे को खुद नहीं पता क्या होने वाला है यार, लाइक आई डोंट नो गाइज मेरे को कितना टाइम लगने वाला है इतने सारे विदर स्कल्स को कलेक्ट करने में, बस कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइज तो मैं विदर स्कल्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी जो हूँ रेस में हूँ 500,000 सब्सक्राइबर्स विद मैं हूँ मोकैम्प, वो मेरे से बहुत ही ज्यादा आ गया, कुछ ज्यादा ही आ गया है। और अगर तुम चाहते कि मैं उससे पहले 500,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूँ तो अभी जाए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड या। तो गाइज भाई 2 दिन हो चुके हैं, मैं लेवल 26 से लेवल 402 पे जा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया गाइस सीरियसली। भाई साहब मैं क्यों करता हूँ अपने साथ ये, क्यों मेरी अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है भाई। बट चलो गाइस मैंने ऑफिशियली कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो आप 3
चल कर बॉक्सेस भर के भाई साहब विदर्स कल सब। बस भाई अब चलते हैं वापस घर पे, थोड़ी सी मैं शांति लेता हूँ चाय वाय पी के, उसके बाद गाइज मैं कलेक्ट करने चलता हूँ सोल सैंड। तो गाइज चाय ब्रेक इज डन, तो अब चलते हैं अपने नेदरमैंड कलेक्ट करके लाते हैं सोल सोयल सोल सैंड जो भी चाहिए, एंड उसके बाद भाई साहब विदर्स की जो है बजाते हैं गंदे वाली। तो गाइज मैंने कलेक्ट कर लिए हैं जितनी मेरे को सोल सैंड चाहिए थी, भाई चेक कर लेता हूँ ये भी भर चुका है, ये वाला ओके थोड़ा सा रहता है, ओके ये भी भर चुका है, यस भर चुका है ऑलमोस्ट, ये भी ओके वाले भर चुका है। तो गाइज चारों के चारों जो है शलकर यहाँ पे भर चुका है, इनको कलेक्ट करते हैं, एंड गाइज अब चलते हैं अपने ऑब्सीडियन वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भाई हम फाइट करेंगे हमारे विदर्स से। ओके तो भाई यहाँ से अभी निकालते हैं सबसे पहले तो अपनी ये सोल सैंड निकालते हैं थोड़ी सी, एंड भाई सब अपने विदर्स कल्स ले लेते हैं। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड यार, दो दिन से लगातार ये एफके चल रहा है भाई, मैंने कंप्यूटर नहीं बंद करा था सीरियसली। एंड आज एक और चीज कह देता हूँ भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग गया है तुम देख ही रहे हो इस वीडियो में, तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना सीरियसली। एंड गाइज अभी चलते हैं, ओके हो गया आई थिंक जितना भी हमें निकालना था। तो गाइज चलते हैं अपने ऑब्सीडियन वाले प्लेटफॉर्म पे जो कि यहाँ पास में ही, एंड भाई स्टार्ट करते हैं हमारी भाई। ओ भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। ओके तो गाइज अभी यहाँ पे लगाते हैं अपने विदर्स कल्स, लग गए हैं भाई साहब। मैंने जो है चार पांच इफेक्ट्स ले रखे हैं अपने उसके बीकन के भी, एंड आई डोंट थिंक सो इतना हार्ड होएगा इसको मारना, स्पेशली एक विदर को। अभी गाइज यहाँ पे मैं चार विदर से भी लड़ूंगा, पहले इसको हराते हैं भाई। एंड ये प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा छोटा है तो मजा भी आएगा उसमें मारने में, बिकॉज मैं बार बार नीचे भी गिर सकता हूँ इससे। ओके 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 अभी तो मेरे को टच नहीं कर पा रहा। बेसिकली इस तरीके से करना होता है हमें, जो भाग के ऐसे पीछे पलट के मारना होता है, ऐसे पीछे पलट के मारो, दोबारा से पीछे पलट के मारो, तो आप जो है बच सकते हो बेसिकली जो इसके जो सिर से फेंकता है ब्लास्ट वाले। ओके तो गाइज इसकी आई थिंक हाफ हेल्थ, ये देखो गाइज हाफ हेल्थ पे आ चुका है अब, तो बस मेरे को जो अपनी स्माइट की सोर्ड का कमाल दिखाना। भाई साहब क्या डैमेज दे रही है, ओ माय गॉड। Well, that was very easy, भाई साहब। Okay, तो guys, अब हम फाइट करने वाले हैं फोर विदर स्केल्टन से भाई, लगाते हैं स्केल्टन से नहीं सॉरी विदर बॉसिस से लगाते हैं guys, सारे सारे। ओ भाई 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 जल्दी से, ओ यार इसको भी तोड़ना है, टूट जा जल्दी से टूट जा। ओके टूट गया, तो अब भी गाइस हम चारों से लड़ने वाले हैं इस छोटे से प्लेटफॉर्म में। अब देखते हैं भाई, मेरे पास अच्छी खासी एडवांटेज है बीकन्स की, और मेरे पास लाइक फुल्ली लाइक गोल्ड आर्मर है और गोल्ड टूल्स भी है, बट देखते हैं कि हम इन फोर विदर्स को भी यहाँ पे हरा पाते हैं। ओके ओके तो पहली वाली की जो है हाफ हेल्थ आ चुकी है, बस इसको नीचे लगा के इसको मारना है। ओके ओके पहली भी खत्म हो चुकी है, अभी थर्ड। ओके 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 गाइस तो दूसरी वाली की भी हाफ हेल्थ आ चुकी है, और इसको बस नीचे ले आके अब ये भी गाइस ये भी मर चुकी है। ओके आई थिंक अब दो बचते हैं, इनको भी मैं आराम से हरा सकता हूँ। ओके 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 ओ भाई ओके गाइस सेकंड को भी हमने हरा दिया, और यहाँ पे फर्स्ट को भी हरा दिया है भाई साहब, इन्होंने छेद कर दिया भाई साहब जी, इतने ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन गाइस हमने चार विदर्स को हरा दिया है एक ही साथ में भाई, दैट वाज क्रेजी, ओ माय गॉड। गाइस के बाद जो है मैंने तीन विदर्स को इकट्ठी स्पॉन करके उनको हराया ऐसे ही मजे के लिए, और मेरे को फिर और मजा आने लगा तो मैंने दो विदर्स को और स्पॉन कर लिया। तो गाइस उनसे मजे लेने के बाद मैंने क्या करा, मैं चला गया एक नीचे केव्स में, वहां पे मैंने गोलम स्पॉन करके एक विदर को मारा ऑब्वियसली के लिए, एंड फिर जो है मैंने वहां पे दो विदर स्पॉन कर दिए, बट वो गोलम्स नहीं मार पाए, खुद ही मर गए, तो मेरे को उनको मारना पड़ा। एंड ऐसे करते करते मैंने जो है काफी सारे विदर्स को मार दिया, तो मेरा लाइक जो है मजा सा आने खत्म हो गया था, मैं बोर होने लग गया था। तो इसके बाद अब बारी आ चुकी थी हमारा फाइनल प्रोसेस करने की, जहां पे हम हराने वाले हैं बाकी के बच्चे अपने 1000 के करीब विदर्स को। ओके तो गाइस अभी चलते हैं अपने एंड डायमेंशन में, वहां पे जाके आपको दिखाता हूं भाई किस तरीके से मारना है। ओके तो आई गेस मैंने यहां पे नीचे जगह बनाई होगी, यस ये रही, एंड भाई साहब ये पीछे, तो भाई इनका अलग ड्रामा चलता रहता है एंडरमैन का। ओके ओके तो गाइस यहाँ पे देखो मैं आपको स्पॉन करके दिखाता हूँ कैसे मारता है ये चैम्बर, यहाँ पे रखना है मेरे को, यहाँ पे विदर स्पॉन हो जाएगा, एंड अब जो है ये यहीं पे फंसा रहेगा। ओके मैं अपना आर्मर भी डाल लेता हूँ। ओके तो गाइस देखो ये भी ब्लॉप होएगा, कोई भी लाइक ये ब्लास्ट का डैमेज नहीं करेगा, मैं इसको जो है यहाँ पे आराम से मार सकता हूँ। ये देखो लाइक ये ऊपर ही स्टक रहेगा, एंड मैं इसको आराम से मार सकता हूँ। ऑब्वियसली मैंने विदर्स को तो आपको मार के दिखा दिया कि मैं आराम से मार सकता हूँ विदर्स को। ओके तो बस इस तरीके से गाइस मेरे को टोटल 1000 विदर्स को मारना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आई नो, मेरे को लगता है इसमें एक पूरा दिन और चला जाएगा। ओ माय गॉड भाई बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं वीडियोस, बट क्या करें तुम लोग के लिए बनानी पड़ती हैं। तो गाइस आई गेस कंटिन्यू रखते हैं अपनी ग्राइंडिंग, और क्या ओके तो गाइज
इट्स बीन 12 आवर्स एंड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं 500 स्टार्स। भाई तुम्हें दिखाता हूँ, माय गॉड भाई देखो यार, प्रो देखो यार, देखो ओ माय गॉड भाई, पता है तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। एंड मैंने कैलकुलेशन भी गलत कर दिया एक्चुअली में, मेरे को 3 शल्कर बॉक्सेस भर के नहीं चाहिए थे स्कल्स, मेरे को सिर्फ जो है 1.5 शल्कर बॉक्स ही चाहिए थे। तो बेसिकली मैंने अपनी जिंदगी के 24 घंटे खराब करे हैं फॉर नो रीजन। आई हेट माई सेल्फ मैन भाई, क्या होगा रूबस गाइस, अब जो है कंटिन्यू रखते हैं एंड ग्राइंड करते हैं 1000 स्टार्स। क्या बोलूँ, नाइस वन, काफी टाइम हो गया था बोले हुए। भाई साहब अब तक मैं इस वीडियो में 50 घंटे की फुटेज जो है रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड फाइनली हमने कलेक्ट कर लिए हैं 1000 नेदर स्टार्स, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 1000 बीकन्स के। बेसिकली अभी और भी चीज़ें कलेक्ट करनी है, बट देखो भाई ओ माय गॉड भाई ये चीज़ें लाइक, इतनी कुछ नहीं कहना चाहता, बस वीडियो को लाइक कर दो जो कुछ आप देखो। और अभी भी मेरे पास जो है लिटरली 1.5 शल्कर बचा हुआ है भाई वेदर स्कल्स का, मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी भाई साहब, क्या करता हूँ मैं। एंड गाइज अभी जो है मेरे को वापस आना है, पहले तो मेरे को वापस घर पे जाना है एंड वहां से कुछ शल्कर बॉक्सेस लेके आने और मेरे को 2 शल्कर बॉक्सेस भर के जो है ऑब्सीडियन कलेक्ट करना है। ओके तो गाइज हम दोबारा आ चुके हैं एंड डायमेंशन में। सबसे पहले तो मेरे को लेना है भाई हेस्ट, बिकॉज उसी की अभी मदद होने वाली है। यस हेस्ट 2 गाइज यहाँ पे ले लेते हैं, रीजन भी चलेगा। एंड भाई अब चलते हैं सबसे छोटे वाले इस पिलर पे एंड गाइज इसको तोड़ना शुरू करते हैं। और तुम्हें पता है ऑब्सीडियन को तोड़ने में कितना टाइम लगता है, वैसे भी बड़ा स्लो होता है, हेस्ट 2 के साथ भी हमें 1 सेकंड तो लग ही जाता है। तो अगर मैं यहीं पे कैलकुलेशंस करूं तो मेरे को लिटरली लगने वाले हैं 2 से 3 घंटे 2 शल्कर बॉक्सेस ऑब्सीडियन के लिए। भाई यार क्यों करता हूँ मैं ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड जिनमें इतने घंटे लग जाते हैं। ये सब चीज़ें तो छोड़ो गाइज एंड बस अब मैं जल्दी से ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर आपको मिलता हूँ। इसके बाद हमें सैंड कलेक्ट करनी है एंड फिर हमारे बीकन्स जो है क्राफ्ट हो जाएंगे। लेट्स गो। ओके तो गाइज मैंने कलेक्ट कर लिया है 2 शल्कर बॉक्सेस, ये रहा हमारा पहला शल्कर बॉक्स एंड दूसरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइज दूसरा वाला शल्कर बॉक्स भी भर दिया है एंड भाई इसको तोड़ो। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने पिलर उखाड़ दिए हैं भाई एंड डायमेंशन में, क्योंकि एंड डायमेंशन को भी मेरे को कुछ करना है, इसमें कुछ क्रेजी चीज के साथ करना है। मेरे को कमेंट्स में एक्चुअली आइडिया बताना मैं क्या करूँ। ये देखो गाइज इतने सारे पिलर मैंने उखाड़ दिए और इस वीडियो के लिए मैंने टोटल 4 पिलर उखाड़े हैं। एंड भाई बस देखो इसका भी प्रोजेक्ट मेरे को करना है, वो भी क्रेजी होने वाला है। चलो गाइज ये सब तो छोड़ो, हो गया जो होना था अब। एंड गाइज अभी जो है मेरे को चाहिए 4 शल्कर बॉक्सेस भर के ग्लास, तो उसके लिए गाइज हम वापस आ चुके हैं हमारे डेजर्ट में। भाई साहब बहुत दिन हो गया यार इस पे आए हुए, इसको हमें डिस्ट्रॉय भी करना है, भूलो मत वो भी करेंगे। लेकिन गाइज अभी जो है हमें 4 शल्कर बॉक्सेस भर के जो है सैंड चाहिए, तो वो कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद जो आपको सीधा मिलता हूं। तो गाइज मैंने कलेक्ट कर लिए हैं 4 शल्कर बॉक्सेस भर के, वो भी सैंड। तो गाइज अब जो है मैं इन 4 शल्कर बॉक्सेस को लेके चलता हूँ और इसको जो है मैं स्मेल्ट करता हूँ, और स्मेल्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ग्लास, हमारे पास हो जाएगा ऑब्सीडियन एंड जितने सारे नेदर स्टार चाहिए थे वो भी हमारे पास हैं। इसके बाद सिर्फ बचती है क्राफ्टिंग एंड प्लेसिंग। भाई साहब आई एम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई मैं। तो गाइज मैंने सारे सारे ग्लास को स्मेल्ट कर लिया एंड अब जो है क्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़े से यहाँ से नेदर स्टार निकालता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कुछ बीकन्स तो पड़े हैं। देखो जो 100 बीकन्स हमने करे थे कलेक्ट वो भी मेरे पास पड़े हैं एंड ये लो भाई अपना, एंड इधर से मैं ग्लास लेता हूँ। तो गाइज अब जो मैं करता हूँ मैं सारे के सारे जितने बीकन्स हैं उनको क्राफ्ट कर लेता हूँ और आपको फिर आगे मिलता हूँ। तो गाइज ये देखो मैंने सारे के सारे बीकन्स क्राफ्ट कर लिए हैं, यहाँ पे मेरे पास है एग्जैक्टली 1031 बीकन्स। भाई साहब दिस इज एक्चुअली क्रेजी। भाई साहब माई गॉड भाई देखो कितने सारे बीकन्स हैं यार ये, लाइक इतनी सारी मेहनत सिर्फ इस शल्कर, इस आधे शल्कर बॉक्स को भरने के लिए। बट चलो गाइज ये सब छोड़ो, मैं यहाँ से जो है अपना आयरन ब्लॉक्स वगैरह लेता हूँ। तो गाइज अब हम चलते हैं हमारे 256x256 वाले एरिया में, जो हमने जो है डिस्ट्रॉय करा था, यहाँ पे जो है प्लेस करना स्टार्ट करते हैं हमारे आयरन ब्लॉक्स और फिर लगाते हैं भाई हमारे 1000 बीकन्स। तो गाइज ये देखो मैंने यहाँ पे हमारा आयरन प्लेटफॉर्म भी बना दिया भाई, पिछले वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है
एंड गाइस देखो अभी यहाँ पे जो है मैंने स्टार्ट कर दिया बीकन्स को प्लेस करना है। एंड ओ भाई मैंने आधे बीकन्स गाइस प्लेस कर दिए और मेरे कान फटने को रखे हैं ओ भाई। तो गाइस मैं सारे के सारे बीकन्स प्लेस करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ। भाई मेरे कानों में दर्द होने लग गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो गाइस ये रहे हमारे लास्ट 6 बीकन्स, मैं इसको लगाता हूँ ये और ये एंड 2 एंड 3। भाई साहब ये रहा गाइस हमारा लास्ट बीकन जो हो जाए भाई एक्टिवेट। भाई साहब लुक एट दिस, मेरे FPS बढ़ने को रखे गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ओ माय गॉड, ओ भाई साहब कितनी बड़ी बीम है ये। तो गाइस ये देख हमने बना लिए 1000 बीकन्स। एंड ऐसे ही गाइस मैंने जो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट ट्राई करा है जिसमें मैंने जो है 100 डेज सर्वाइव करा है। अगर आप जानना चाहते हो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है तो आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, जाके देखो। इंडिया मिलते रहते, सी आप, गुड बाय बॉयज।